परमात्मा मार्ग के समावेशन के अंदर एक ऐसे व्यक्ति थे जो कुछ न कुछ प्रश्न खड़े करते रहते थे। हालांकि वे स्वयं प्रबुद्ध थे और संबुद्ध थे, स्वयं विशिष्ट ज्ञानी थे, फिर भी वे प्रश्न बारंबार करते थे। उसका हेतु एक ये बताया गया है कि परिषदा में बैठे हुए सारे लोगों को मन में रहे हुए जिज्ञासाएँ पूर्ण हो, और दूसरे नंबर की बात कि मैं संपूर्ण ज्ञानी नहीं हूँ तो मेरा ज्ञान सही है कि नहीं, उसका तकाजा लेने के लिए गौतम स्वामी महाराज प्रश्न करते रहते थे। इसके लिए परमात्मा के हर जवाबों में, हर संबोधनों में अधिकांश गौतम गौतम नाम का उल्लेख सुनने में आता है। तो गौतम यानी कि गोत्र का नाम है। उनका नाम तो इंद्रभूति था, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गोत्र के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो गौतम स्वामी गोत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और उसी तरह परमात्मा के मुंह के निकले इस शब्दों के अंदर मंत्र रूपी शब्द बन गया, इसके लिए ये गौतम शब्द बहुत ही प्रभावशाली गिना जाता है। इसी तरह परमात्मा ने जयंती नाम की श्राविका, ऐसे अलग अलग सन्यासी वगैरह के प्रश्नों को समाधान में दिए। उत्तराधि सूत्र में कहा जाता है कि 36,000 से भी ज़्यादा प्रश्नों का हल परमात्मा ने दिया। आज से 3 दिन तक अपनी प्रश्नोत्तरी चलने वाली है। सबसे पहले बात एक स्पष्ट कर दें कि प्रश्न कौन कर सकता है, तो कि जिसको जिज्ञासा है वो अपनी श्रद्धा को निर्मल बनाने के लिए या अपने मन में रहे हुए ऐसे मिथ्या विचारों को दूर करने के लिए वह प्रश्न करना है, नहीं कि खाली कुतूहलता से या किसी की परीक्षा करने के लिए। मतलब कि संशय हर किसी को रह सकता है, लेकिन वो संशय मेरा बाहर निकालना है और गुरु के मुंह से मुझे समाधान लेकर मेरे संकेत को निर्मल करना है, मेरे मन में रहे हुए तर्क वितर्कों को दूर करना है, इस उद्देश्य से प्रश्न करना है। प्रश्न कौन नहीं करता, तो कि या तो सर्वज्ञ होता है वो प्रश्न नहीं करता, या तो एकदम अबुद्ध होता है वो प्रश्न नहीं करता, दोनों प्रश्न नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि प्रश्न करने वाले व्यक्ति समझदारी के साथ प्रश्न करता है, या उनके उसके कुछ ज्ञान है, इसके लिए ज्ञान में अधूरा जो रही हुई है या जो विकृति रही हुई है उसको दूर करने के लिए हम प्रश्न कर रहे हैं और हम समाधान दें। तीसरे नंबर की बात कि जो भी समाधान यहाँ पर दिए जाएंगे वो समाधान श्रवण करने के पश्चात भी आपको अगर कोई शंका रहे तो आप जब भी प्रैक्टिकल मिलो उसके डीप में अपन जा सकेंगे। प्रश्न बहुत से हैं, इसके लिए हर की गहराई तक जाना शायद मुमकिन हो या ना भी हो, प्रयत्न पूरा रहेगा, लेकिन समय अपने पास कम रहता है और सवाल बहुत रहते हैं। प्रश्न की शुरुआत करेंगे, आरती से संकलित एक प्रश्न है कि परमात्मा की आरती मंदिर जी में करते हैं तो कोई भी भगवान हो, चाहे 24 तीर्थंकर हो या वर्तमान विहरमान तीर्थंकर हो, हर की आरती बोलते वक्त आदि जिनंदा आरती क्यों बोलते हैं, आदि का नाम ही क्यों बोलते हैं? तो ठीक यही प्रश्न दूसरे ओर से मैं भी करता हूँ कि जब नवांग की पूजा परमात्मा की होती है तो जो घुंडन की पूजा करते हैं या फिर भगवान के कंठ की पूजा करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, 16 प्रहर प्रभु देशना। तो 16 प्रहर देशना किसने दी, फक्त महावीर स्वामी ने दी, तो बाकी के तीर्थंकरों की फिर पूजा लगेगी नहीं लगेगी? तो क्या कुछ काव्य ऐसे होते हैं जो काव्य एकदम प्रचलित बन जाते हैं और वर्तमान के शासन के तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी की ने जो विशिष्ट उपकार किया है, उन्होंने जो श्रम लिया है वो श्रम की विशिष्टता रखने के लिए हमें परमात्मा का या कंठ की पूजा करते वक्त खास उपयोग की इस काव्य का उपयोग किया जाता है। अलबत्त दूसरे तीर्थंकरों ने भी देशना तो दी है, 16 प्रहर भले नहीं दी लेकिन 3-3 प्रहर जो भी दिया, 3-3 घंटे वगैरह, वो तो मानना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से आदिनाथ प्रभु की जो हम आरती करते हैं, नाम भले आदिनाथ का हो लेकिन हरेक तीर्थंकरों को हमें उससे संग्रहित कर लेना है,
जैसे नमोरियंताणम बोलते हैं तो कौन से परमात्मा उसके अंदर आते हैं? तो के अष्ट प्रातिहारी युक्त जितने भी तीर्थंकर है, सब तीर्थंकरों का ग्रहण, चाहे वो भूतकाल के भी अष्ट प्रातिहार वाले हो, वर्तमान काल के भी हो, हर तीर्थंकर का ग्रहण उसके अंदर होता है। एक समाधान। दूसरा समाधान है, तीर्थंकर और तीर्थंकर के अंदर कोई फर्क नहीं, जैसे सोने और सोने में कोई फर्क नहीं, चाहे सोने की चैन हो या सोने का अंगूठी हो, 24 कैरेट दोनों है तो दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, खाली रचना में कोई फर्क है। उसी तरह आदिनाथ हो या कुंतुनाथ हो या संभवनाथ हो, महावीर स्वामी हो, तीर्थंकर और तीर्थंकर में कोई फर्क नहीं। और एक शब्द के ऊपर चर्चा करें कि आदिनाथ हम जो बोलते हैं कि जय 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 श्री आदि चिनंदा, तो आदिनाथ प्रभु का अर्थ मात्र पहले ऋषभदेव प्रभु, वो तो सही, लेकिन हरेक तीर्थंकर अपने अपने शासन की आदि करते हैं। इसके लिए आदि शब्द से हरेक तीर्थंकर का ग्रहण हम कर सकते हैं। आदि शब्द क्या कहता है? हरेक तीर्थंकर अपने अपने शासन की शुरुआत करते हैं, तो जय 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 श्री आदि चिनंदा जो हम बोलते हैं उसमें आदिनाथ प्रभु से हरेक तीर्थंकर का शब्द से ही ग्रहण हो सकता है, उसमें कोई दोष नहीं रख सकते। दूसरे नंबर की बात, किसी ने पूछा कि मंगल दिवस जो होता है उसमें कुमारपाल महाराजा का नाम है, तो इसमें दो प्रश्न होते हैं कि कुमारपाल महाराजा का नाम से आरती का प्रसंग हुआ, और आरती की शुरुआत तभी से हुई कि उसके पहले भी थी, और कुमारपाल महाराजा का नाम क्यों है वो तो अधिकांश हमको पता है कि पाटन के अंदर कुमारपाल महाराजा ने परमात्मा की आरती करते करते, मतलब कि कुमारपाल महाराज का नाम जब नहीं था तब आरती करते करते उनके हृदय में शुभ परिणाम हुआ कि परमात्मा की भक्ति शैल ऋतु के फूलों से करो, वो संकल्प उनका ऐसा रहा और वो संकल्प 3 दिन तक पूरा नहीं हुआ, अठम किया, और उसके बाद परमात्मा की आरती के अंदर कुमारपाल महाराजा का नाम बेपाल नाम के कवि ने जोड़ा। तो आरती की परंपरा तो पहले से थी, चाहे सिद्ध चक्र के अंदर हम किसका आदर्श ले रहे हैं, तो श्रीपाल और मैना का, तो उसके पहले सिद्ध चक्र की आराधना थी या नहीं, तो क्या असंख्य काल से अनादि काल से चली आ रही है। तो कभी कभार ऐसे प्रसंग हो जाते जिस प्रसंग के नाम से उनका इतिहास बन जाता है, लेकिन उसके पूर्व भी घटना तो बनती रहती थी, यानी कि आरती मंगल दीवो यह शास्त्रीय प्रणाली का है। हम जब परमात्मा का जन्मोत्सव सुनते हैं और नात्र पूजा पढ़ा उसके अंदर भी आते हैं वो आत्म भक्ति मल्या के देवा मंगल दीवो आरती करता सुरवर जय जय बोले, यह पद परमात्मा के मेरु महोत्सव के काल में आरती का विधान बतलाता है। तो ये आरती का विधान अनादि काल से, जैसे मूर्ति की परंपरा मैंने बताई थी कि अनादि काल से, क्योंकि परमात्मा जब उस समय प्रवेश करते हैं उस वक्त आजू बाजू की 3 प्रतिकृतियां व्यंतर निकाय के देव रचते हैं, तो अनादि काल से, उसी तरह आरती मंगल दीवो की परंपरा भी अनादि काल से है। दूसरे नंबर का प्रश्न, श्रेयांश कुमार के समय से दान की प्रणाली का शुरू हुई ऐसा कहते हैं, उसके पहले दान की परंपरा नहीं थी। तो किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा का ही जीव धन सार्थवा के अवतार में था तो घी का दान किया था ना, वो कैसे हो गया? तो अब देखिए, कोई भी बात जब की जाती है तो उसको हमको काल से समेट कर समझनी चाहिए। जैसे कि इस अवसर पर नहीं काल में, इस अवसर पर नहीं काल में सबसे पहले दान श्रेयांश कुमार ने दिया ऐसा कहा जाता है, नहीं कि अनादिकाल से दान था ही नहीं, तो पहले कोई तीर्थंकर कुछ होगा ही नहीं, जैसे तो ब्रह्मांड की शुरुआत हो गई कहना पड़ेगा। तो जो श्रेयांश नाथ के दान की बात आती है वो इस अवसर पर निकाल की अपेक्षा से आती है, उसके पहले उत्सव पर निकाल वगैरह तो बहुत थे ही, तो वहाँ पर तो कोई दान की परंपरा नहीं थी, वो नहीं थी, लेकिन अवसर पर निकाल जब स्टार्ट हुआ तो शुरुआत में सबसे पहले ओपनिंग करने का काम श्रेयांश कुमार ने किया। धन सार्थवा जो थे वो तो महाविद्या क्षेत्र के अंदर रहे थे, अपर महाविद्य क्षेत्र में थे, ऐसा विधान आता है। धनसार्थवा यानी ऋषभदेव का जी पहले भवे अपर महाविद्य क्षेत्र में था, तो महाविद्य क्षेत्र में तो अनादिकाल से धर्म है ही और रहेगा ही, सदा के लिए वहाँ धर्म रहता है, इसके लिए वहाँ पर धर्म का कोई निषेध नहीं है, दान धर्म भी बना ही रहता है। एक प्रश्न आया कि परमात्मा महावीर ने शासन की स्थापना जब की उस वक्त परमात्मा ने समाधान दिया आत्मा का, जीव तत्व का समाधान परमात्मा ने दिया,
और उससे गणधरों को अंदरों अंदर समाधान में अंदर समाधान मिल गया। उसमें प्रश्न ऐसा होगा कि सब गणधर विशिष्ट ज्ञानी थे क्योंकि 14 विद्या के पारगामी थे, तो उनके पास हर की शंका अलग है। मतलब ये होगा कि शंका के सिवा उनको सब कुछ आता, ऐसा भी आता। आत्मा के शंका के सिवा उनको इंद्र बुद्धि को सब कुछ लगभग आता था, उसी तरह कर्म की शंका के सिवाय अग्निभूति को लगभग सब कुछ आ सकता। तो फिर ये 11 अरस पर जो एक दूसरे का समाधान दे देते तो काम हो जाता ना, तो एक दूसरे का समाधान दे देते लेकिन लेने वाला होता ना, लेने वाला होता मतलब 11 ऐसे मित्र जैसे थे और भाई भाई भी थे अंदर अंदर, दो अमुक दो दो भाई भाई, फिर भी अभिमान के कारण वो अपना समाधान किसी से लेना नहीं चाहते। और ज्ञान ऐसी चीज है कि आप लो तो ही मिलेगा, दान ऐसी चीज है कि आप दो तो ही आपको लाभ मिलेगा। दान देना है और ज्ञान लेना है, तो वो लेने के लिए तैयार नहीं है, तो 11 अरस पर समाधान नहीं कर पा रहे। और बहुत बार ये अभिमान का मामला भी आत्मकल्याण का कारण बन जाता है, अगर समाधान ले लिया होता तो प्रभु तक पहुँचने की बात नहीं आती। चलो, अब परमात्मा ने जो समाधान दिया वो अपने शास्त्रों के दौर से दिया कि उन्हीं के वेदों के पंक्ति से दिया, किससे दिया? तो कि परमात्मा ने उन्हीं के वेदों की पंक्ति लेकर समाधान दिया, क्योंकि ये वेद वाली जो बात है वो वेद का भी मूल अंकुर ऋषभदेव प्रभु है। ऋषभदेव प्रभु का नाम ऋषभ पंचाशिका करके वेद का एक प्रकरण है, उसके अंदर भी ऋषभदेव का नाम आता है। नाभि में से जन्म हुआ, नाभि कुल का, तो ये नाभि में से जन्म हुआ जो कहते हैं वो ऋषभदेव प्रभु। तो वेद की जो बात है वो वेद की पंक्तियाँ भी अगर अनेकांतवाद से पकड़ी जाए, स्यादवाद दृष्टिकोण से पकड़ी जाए, तो वेद के अर्थ भी परमात्मा से समान हो जाते हैं। यानी प्रभु का ये कहना है कि कोई वेद गलत नहीं है। प्रभु ने उससे बहुत अच्छी बात कही इंद्रबुद्धि को कि इंद्रबुद्धि वेद की पंक्तियाँ गलत नहीं है, तेरा अर्थ घटन। जगत में वस्तु कभी कोई गलत नहीं हो सकती, अर्थघटन गलत है। अगर अर्थघटन हमने कर दिया गलत तो अपने लिए वही अर्थ रहेगा और अपनी बुद्धि भी ऐसे ही चलेगी और अपना जीवन भी ऐसे ही चलेगा। गाय को देखता है एक आदमी तो वो कहता है कि भाई एक गौ माता के समान है, दूसरा देखता है कसाई तो बोलता है कि इसका चमड़ा अच्छा मिलेगा अथवा तो इसका मांस अच्छा मिलेगा, चमार देखेगा तो बोलेगा कि हाँ इसका चमड़े से चप्पल अच्छे बनेंगे, वो धनुर्धारी देखेगा तो सिंगड़े को देखेगा कि सिंगड़े के अंदर से धनुष या बाण अच्छे बनेंगे। तो उसी तरह वो खेतीबाड़ी करने वाला देखेगा तो गाय का छाण मूत्र का स्टडी करेगा, तो इसी तरह दूध दोने वाला पकड़ेगा कि गाय का दूध कितना मिलता है। और एक श्रमण जाएगा, साधु जाएगा तो बोलेगा बेचारा तिरियज की आत्मा नरक के मतलब कि तिरज की कितनी वेदना सहन कर रहा है, ऐसा मेरा जीवन न हो उसके लिए मुझे कपट नहीं करना, यह भाव में जाएगा। कोई सिद्धा आत्मा देखेगा तो बोलेगा कि इसकी आत्मा मेरी आत्मा समान है, यहाँ पे कर्म का आवरण है मेरे ऊपर कर्म का आवरण नहीं। ऐसे एक ही गाय को देखने में कितने एस्पेक्ट बन गए, इसको हम कहेंगे अनेकांतवाद। अनेक अंत यानी अनेक दृष्टिकोण, अनेक नए, अनेक एस्पेक्ट जिसमें बनते हो उसको अनेकांतवाद कहते हैं। तो परमात्मा ने जो पंक्ति ली वो कौन सी पंक्ति ली? अनेकांत मतलब कि वेदांतों की, तो वहाँ पर पंक्ति ली विज्ञान घन एव एतेभ्यो समुत्थाय तानी एव अनुविशन्ति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति। ये पंक्ति परमात्मा ने ली, यही पंक्ति इंद्रभूति ने भी पकड़ी और यही पंक्ति परमात्मा ने भी पकड़ी। ब्लेड बच्चे को दो और ब्लेड आप हाथ में लो, फर्क कहाँ पड़ता है? जमीन आत्मा का फर्क पड़ता है, बराबर है। सुई डॉक्टर हाथ में ले और बच्चा हाथ में ले, जमीन आसमान का पड़ेगा। यहाँ पर परमात्मा ने उस पंक्ति को पहले उसके अर्थ में समझाई, बाद में अपने अर्थ में समझाई। एक बात सोच लेना, अगर आपको समाधान बहुत ऊंचा और परफेक्ट देना हो तो सवाल को भी बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा। जब तक सवाल को गहराई से नहीं समझ पाओगे तब तक समाधान कभी बरोबर दे नहीं पाओगे। उसके लिए किसी के साथ आपकी अनबन चल रही है, आपकी बोलाचाली ज़्यादा हो गई है, तो उस समय आप बोलेगा तू मेरी सुनता ही नहीं है, वो बोलेगा तू मेरी नहीं सुनता है, क्या करेंगे आप? तो क्या वो उसको जितना बोलना है एक बार बोलने दो,
उसके क्या क्या एस्पेक्टस है, उसके क्या थॉट्स है, वो कौन से एरर से कौन से एंगल से बोलना चाहता है, क्यों ऐसा बोला, उसकी पूरी तपासनी करके उसका पूरा सुन लो तो आपको समाधान देने में आसानी और कामयाबी मिल सकती है। अब यहाँ पर ऐसा हुआ, परमात्मा ने कहा कि इंद्रभूति तूने जो अर्थ किया, विज्ञान घन का मतलब होता है ज्ञान का समूह ऐसी आत्मा, ज्ञान का घन यानी के भरपूर मात्रा में जिसके अंदर ज्ञान ठास ठास कर भरा हुआ है वो कौन है, आत्मा है, क्योंकि आत्मा विज्ञान घन है। विज्ञान घन एवं एतेभ्यो समुत्थाय तानी एवं अनुमिशन, एतेभ्यो मतलब क्या, पंचभूत, एतेभ्य का मतलब क्या होता है, पंचभूत, पंचभूत मतलब कि पृथ्वी अप तेव वायु और आकाश, ये पांच वस्तु में से ये विज्ञान घन उत्पन्न होता है और उसी पांच वस्तु के अंदर वो विज्ञान घन नाश हो जाता है और बाद में न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, प्रेत्य मतलब कि उसके बाद में किसी भी तरीके की संज्ञा आत्मा को रहती नहीं है। ऐसा तूने अर्थ करके आत्मा की सिद्धि इस वाक्य से नहीं हो रही है वह तुझे लगा, क्योंकि पांच भूत में से ज्ञान उत्पन्न हुआ यानी आत्मा उत्पन्न हुआ और पांच भूत में विलीन हो गया तो अब आत्मा नाम की चीज तो रही नहीं। जैसे आदमी जन्म लेता है तो पांच भूत से जन्म लेता है और मरता है तो पंचभूत विलीन हो जाता है, बोलते ना व्यवहार कि पंचभूत में विलीन हो गई उसकी आत्मा, तो तूने ये अर्थ किया। अब इसी पंक्ति के अर्थ मैं कैसे करता हूं वो तो सुन। एक बात महत्व की परमात्मा ने वहां पर नोटिस में की जो अपने को शायद नोटिस में नहीं आ रही, आत्मा पंचभूत में से पैदा होता है और आत्मा उसमें चले जाता है। अब आत्मा शब्द तो आ गया ना इसमें, आत्मा शब्द तो आ गया, अब आत्मा शब्द आ गया मतलब इससे इतना सिद्ध होता है कि जिस चीज का शब्द होता है वो चीज जगत में कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। आपके घर के अंदर इसको आके को पूछेगा भाई रमेश भाई है क्या, आप बोलेंगे नहीं है, तो नहीं है का मतलब क्या, कहीं ना कहीं पे है। आपके घर में रमेश भाई नाम के कोई बेटा है या पिताजी है जो भी है, आके पूछो भाई रमेश भाई है आपके घर में, आप बोलेंगे नहीं है, नहीं है सपोज नहीं है उस समय, बोल नहीं है तो कहाँ पे, तो आपका जवाब आ सकता है कि भाई वो बाहर गए या ऐसा हो गया वैसा हो गया जो भी घटना हो गई भी चीज जो नहीं है उसके पीछे भी अस्तित्व का नाम रहा हुआ है, वस्तु का जो नकारते हैं अपन उसके पीछे भी उसके अस्तित्व की पहचान मिलती है। तो परमात्मा ने एक बात बताई कि इंद्रभूति आत्मा शब्द मिल रहा मतलब आत्मा कहीं ना कहीं है, अब उसकी स्टडी करना है, अब कर कैसे करना है। तो परमात्मा को गौतम जी ने कहा बताइए प्रभु, तो परमात्मा ने कहा देखो विज्ञान घन एवं एतेभ्यो, विज्ञान घन मतलब कि आत्मा, इसमें कोई डाउट नहीं, विज्ञान का समूह ऐसी आत्मा। अभी अपनी आत्मा का जो ज्ञान होता है वो अपने अंदर से होता है, ये बात तो सच्ची है, बाहर से भी होता है कि नहीं होता है? हम भगवान की मूर्ति देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये भगवान की मूर्ति है, देव की मूर्ति देखी तो बोलेंगे देव की मूर्ति, समझो किसी पुरुष की मूर्ति में पुरुष की मूर्ति है। अपने घर में अपने माता पिता का फोटो देखा तो बोले माता पिता का फोटो है। अब ये क्या हो रहा है, ज्ञान बदल रहा है, ज्ञान की पोजीशन बदल रही है। आपने पानी देखा तो बोलेंगे ये पानी है, आग देखा तो बोलेंगे ये आग है, तो एक ज्ञान की पोजीशन बदल क्यों रही है, क्या बदल रही है? सीधा जवाब है वस्तु बदल रही है इसके लिए ज्ञान की पोजीशन भी बदल रही है। वस्तु सामने जैसी होती है वैसा अपना ज्ञान बदलता है, यानी अगर शास्त्रीय भाषा में बोलूं तो दिमाग में नोटिस कर लेना, ज्ञेय के आधार पे ज्ञान की दिशा बदलती है। ज्ञेय मतलब सामने रही आइटम्स ऑब्जेक्ट्स, गड़ा मूर्ति पानी आग, आदमी की मूर्ति स्त्री की मूर्ति भगवान की मूर्ति देव की मूर्ति देव, ऐसे ऑब्जेक्ट्स प्लेंटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अनेक प्रकार की असंख्य चीजें जगत में, असंख्य चीजों को देखकर असंख्य प्रकार के ज्ञान हमें होते हैं। अब वो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो ऐसा व्यवहार में कहा जाता है कि मैंने ये देखा इसके लिए मुझे ये ज्ञान हुआ, ये नहीं देखता तो ज्ञान नहीं होता। तो जो ज्ञान हुआ है वो ज्ञान वस्तु के आधार पे हुआ है। अब ज्ञान वस्तु के आधार पे होने के बाद जब वस्तु सामने से चले जाती है तो उपयोग भी सामने से चले जाता है। अब उपयोग सामने से चले जाता है और उपयोग जाने के बाद
वो वस्तु का ज्ञान नहीं रहता कि दूसरे वस्तु का ज्ञान आता है। तो ये यहाँ पर अर्थ करना कि विज्ञान कर मतलब कि आत्मा एवं ऐसे भी मतलब कि घट पट पानी आग में से पैदा हुआ ज्ञान, और जब वस्तु बदली तो उस वस्तु की संज्ञा वहाँ पर न रही लेकिन दूसरे वस्तु की संज्ञा आके खड़ी रह गई। न प्रेत के संज्ञा अस्ती, मतलब कि जब आप घट को देख रहे हो या पानी को देख रहे हो तो घट और पानी का ही ज्ञान रहेगा, दूसरा ज्ञान नहीं रहेगा। न प्रेत के संज्ञा अस्ति, ऐसा अर्थ आएगा। तो परमात्मा ने इस तरह से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया, और साथ ही साथ ये भी कह दिया प्रत्यय का अर्थ होता है परभव। परभव के अंदर मनुष्य भव से छोड़कर हम देवलोक में जाएंगे तो देवलोक में कौन सी आत्मा कहेंगे? अपनी देव की आत्मा। और यहाँ पर कौन सी आत्मा है? मानव की आत्मा। तो मानव की आत्मा देवलोक में नहीं है, इसके लिए न प्रत्यय संज्ञा अस्ति। परभव में मानव की आत्मा नहीं लेकिन परभव में देव की आत्मा है। तो आत्मा नहीं है वो अर्थ भी सही है, लेकिन आत्मा अस्तित्व में वो अर्थ भी इतना ही सही है। दोनों अर्थ का गठन परमात्मा ने किया, यह साध्यवाद है। तो ऐसी पंक्तियों का अर्थ परमात्मा ने किया, इस तरह में आत्मा अस्तित्व का पूरा ज्ञान प्रभु ने दिया। उसकी तो और भी गहराई में जाने जैसा, अपने पास जितना समय उतने अपन लेंगे, प्रश्न बहुत है। नेक्स्ट प्रश्न कि रामायण देखते हैं उसके अंदर मिथ्यात्व लगता है कि नहीं, या महाभारत अपना सीरियल में देखते हैं उसमें मिथ्यात्व लगता है कि नहीं, और उसके अंदर ऐसी ऐसी सीनें आती है कि जो अपने वहाँ पर सिद्ध बन चुके हैं उनको वह मारा जाता है, जैसे कि मेघनाथ, रावण का पुत्र, कुंभकर्ण, तो ये सब अपने वहाँ पे क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? अरे दीक्षित होकर केवल ज्ञान को पाए हैं, ये बतलाया गया है। अब उनको वहाँ पे मारते और अपन देखे तो अपने को पाप लगता है कि नहीं? तब मैं तो कहता हूँ कि उसको मारने की बात तो छोड़ो, आप सीन में कोई भी मारने की सीन देखते हो और सामने वाला शत्रु के रूप में और हीरो उसको मारता हो, या किसी शेर के पीछे या किसी कुत्ते के पीछे या किसी डॉग के पीछे या किसी डोंकी के पीछे कोई भगता हो, समझो कौन शिकारी, और उसको मारने के लिए बरोबर निशाना तानता हो, एक डाला वो किसे किया, दूसरा डाला किसे किया, अब वो सीन आप जब देखते हो तब आपको मन में क्या होता है? आपके मन में क्या होता है? ये भी लगेगा कि नहीं? लगेगा नहीं? लगेगा नहीं? और जान लग जाए अपना हाथ अपनी ताली बच जाती है, मतलब अपने क्या किया, समझ में आया? वो कुंभकर्ण की बात और मेघनाथ की बात तो बात की है, लेकिन किसी को भी मारते हुए देखकर खुश होना, वो सीन के अंदर एंजॉय करना, तो पंचेंद्र के वध का पाप लगता है कि नहीं लगता? जैसे कि कोई ऐसी सीन बताएगी कि आतंकवादी आए हुए और आतंकवादी इस सिटी में घुसे और वहाँ पर ऊपर से अपनी इंडियन नेवी टीम ऊपर से बॉम्ब ब्लास्ट कर रही है और पूरा आतंकवादियों का अड्डा जमीन ध्वस्त कर दिया, धुएं धुएं निकल गए, सबके कुर्चे उड़ गए और हम देखकर एकदम खुश हो गए, तो वहाँ पंचेंद्र की हिंसा का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फिर ये कुंभकर्ण वाली बात तो बहुत दूर की है, लेकिन पंचेंद्र के वध को देखकर खुशी बतानी या फिर कोई नाश्ता है उसको देखकर एंजॉय करना, तो पिक्चर की सीने असली होती कि नकली होती है? असली नहीं होती, असली नहीं होती। वो करने वाला तो इतना राग द्वेष नहीं करता जितना अपान करते हैं। वो तो क्या बोलता है, वो एक हीरो था तो हीरो को वो उसकी पत्नी ने एक्ट्रेस थी ना, उसने होटल में खा रहे थे, उसने बोला ये ना ये मुझे नहीं पाता, उसे मना बोला ना, लेकिन तुझे यही खाना पड़ेगा, उसने थप्पड़ लगा दी, एक्ट्रेस ने हीरो को थप्पड़ लगा दी जोर से, और बाद में फिर वो सीन पूरी हो गई, वो सीन पिक्चर की थी, बाद में दोनों बाथरूम बैठे मस्ती से बात की, तो किसी ने पूछा कि अभी तो तूने इसको थप्पड़ लगाए थे, उसने कहा थी वो तो स्क्रिप्ट में लिखा था ना, इसके लिए मैंने लगाई थी, बाकी मुझे इसको लगाने का कोई इरादा है नहीं, होगा भी नहीं इरादा, तो वो क्यों कर रहा है ऐसा, स्क्रिप्ट में लिखा है इसके लिए कर, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम क्यों वहाँ पे खुश होते हैं ना खुश, हमको कौन सी स्क्रिप्ट बोल रही है तू खुश हो ना खुश हो? तो वो हीरो हीरोइन तो एक बार शायद ऐसी एक्शन करते हैं, हम तो बारम्बार देख देख के ऐसी रिएक्शन कर करके कितने कर्म बांधते हैं, एक्शन एक बार होती है, रिएक्शन बारम्बार अपनी होती रहती है, ये मूवी अच्छी है, गाना अच्छा है, आइटम सॉन्ग अच्छा है, इसका डांस अच्छा है, इसकी एक्शन अच्छी है, इसके डायलॉग्स अच्छे, वो बोलने वाला तो एक बार बोल के पूरा हो जाता है, अपन बारम्बार उसको दिमाग में रिकॉल कर करके बारम्बार अनुबंध रखते हैं। तो ये जो देखने की बात है वो तो परमात्मा का महाभारत पढ़ो, परमात्मा का रामायण पढ़ो, बाद में देख कर उसमें से फिल्टर करो कि कौन सी चीज़ें लेने जैसी है और कौन सी चीज़ें को बॉयकॉट करने जैसी है। रावण को जिस तरह से वर्तमान की रामायण में स्थित किया जाता है चलचित्र में, वैसा जैन शासन नहीं कर रहा है,
मैं तो कहता हूँ कि रावण को जलाने वाले, पुतले जलाने वाले पहले तो अपनी पुतली की स्थिति को सिद्ध कर दे कि मैं कम से कम राम नहीं तो रावण जैसा भी नहीं हूँ, वैसा भी कर ले, अथवा तो अरे रावण जैसा भी बन जाऊँ तो अच्छा। रावण की जो खानदानियत थी, जो उसके पास विवेकीता थी, कंट्रोलिंग पावर था कि इतने इतने समय तक वो उसको दूर रह कर ही बात करता था सीता जी से, ये जो कंट्रोलिंग पावर था वो शायद आज के कहलाने वाले दिखते हुए राम के अंदर भी दुष्कर है। तो ये बात है कि कोई भी सीन अपन देखे उसके अंदर अपन जो एन्जॉय जितना करेंगे उतना कर्म का अनुबंध, पाप का अनुबंध चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। पाप का अनुबंध मात्र प्रवृत्ति से कम होता है, वृत्ति से ज़्यादा होता है। और वृत्तियाँ ज़्यादा कहाँ पे रिएक्ट होती है, तो कि जहाँ पे हम ऐसी सीन देखते हैं, ऐसे दृश्य देखते हैं, वहाँ पे ना ही कुछ हम करते हैं, खाली देखते हैं। मैं समझता हूँ कि आत्मा देखकर जितने पाप बांधता है ना, उतना सोच उतना कर कर भी नहीं बांधता। महाभारत का एक प्रसंग आता है कि जब भीष्म पितामह जैनेतर रामायण की अपेक्षा से सैया पे सोए हुए, बानों की सैया पे, और जैन शासन कहता है कि वो साधु बन चुके हैं और वहाँ पर एक साल का चारित्र पर्याय उन्होंने पाला है। युद्ध होने के बाद जब उनको लगा कि ये अंजाम कौरव का नाश और ऐसी अनर्थ की परंपरा, इस संस्कृति की रक्षा के लिए मुझे भले करना पड़ेगा, आखिर तो पाप कर्म मेरी आत्मा बंधे ही है, तो वो जब अंदर अलग वन के अंदर कौशल ध्यान में रहते हैं, चिंतन में रहते हैं, उत्प्रेक्षा में रहते हैं, उस वक्त पांच पांडव और द्रौपदिया वगैरह वंदन करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि आपकी साधना विक्षिप्त तो होगा लेकिन बहुत अंतर लालयित हो रहा है, मन रहा नहीं जाता। पितामह जिस वंश का आपने उत्तम निर्माण किया, आपकी निर्मल परंपरा हमने देखी, तो हम आपका दर्शन वंदन करने के लिए आए। और वहाँ पर वंदन किया और वंदन करने के बाद द्रौपदी थी वो भीष्म पितामह को देखकर आनंद आनंद से आ रही है, प्रसन्न हो रही है। और उस वक्त भीष्म पितामह ने सबको शिक्षाएं दी कि जीवन के अंदर अपने स्वार्थ के लिए, अपने शौक के लिए इस तरह महायुद्ध करना ये सब उचित नहीं है, और अब इससे जितना भी हो सके उसका प्रायश्चित लेके आत्मा को शुद्ध कर लेना चाहिए। ऐसी उत्तम बातें कर रहा है, तब वो द्रौपदी हंस रहे, तो भीष्म पितामह ने इशारे से पूछा क्या बात है। तो द्रौपदी तो डायनामिक ही थी, तो उसने बोला पितामह क्षमा करना, आपके इतने अच्छे भाव भी है, मुझे इसके ऊपर गौरव है, पहले भी था और अभी भी है और रहेगा, लेकिन मुझे एक ही बात का खेद है, आप जैसे भीष्म पितामह जब मेरी पचेड़ी, मेरा कपड़ा खींचा जा रहा था उस समय मौन क्यों थे, उस समय कौशल ध्यान में क्यों बैठे, अभी कौशल ध्यान बरोबर है आपके लिए, उस समय आप एकदम स्थिर क्यों थे, आप इस तरह से उसकी उपेक्षा की, एक स्त्री की शियल लूटी जा रही हो, उपेक्षा कर रहे हो, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है, उसका जवाब मुझे चाहिए। भीष्म पितामह थोड़ी देर के लिए ठहरे और दास ने यह भी जवाब दो कि अभी आप इतने एकदम पवित्र विचार वाले अत्यंत हो गए, वो कैसे हो, दोनों का जवाब मुझे चाहिए, दोनों का जवाब। टाइम हो गया आज कितने मिनट है, 35। हाँ, एक पहला जवाब एक ले लेते हैं, बाद में दूसरा जवाब कर लेते हैं। भीष्म पितामह ने कहा बेटा तेरी बात बिल्कुल सही है कि मैं उस समय उपेक्षा में था, अगर मैं मेरा वीटो ऑर्डर यूज करता तो शायद तेरी ये साड़ी कोई खींच नहीं सकता था, अलबत्त तेरे चरित्र और तेरे शील से प्रभावित हुए देव और क्षेत्रपाल देवों ने तेरी रक्षा की, धन्य है तेरे शील को, नमस्कार है तेरे शील। लेकिन उस समय मुझे जो दुर्बुद्धि आई उसका कारण मैं समझता हूँ, वहां तक उस समय मैं किसके साथ रहता था और किसका खाना खाता था, तो कि दुर्योधन के साथ रहता था, कौरवों का खाना खाता था, और जैसा अन्न वैसा मन, जैसा सहवास वैसा अंदर का विचार, तो ये सब हो गया मेरे लिए और मैं उस समय रोक नहीं पाया, ये मेरी भूल हो गई, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। एक चारित्र पथ पे रही हुई आत्मा, सर्वयुतिधर आत्मा, और वो भी इतने बुजुर्ग के रूप में रही हुई आत्मा, वो एक नादान स्त्री के सामने, अविरतिधर के सामने अपने पाप का स्वीकार कर रही है, इससे उत्तमता आत्मा में क्या हो सकती है। ऐसी उत्तम आत्मा ही ऐसे पाप करने के पश्चात ही देवलोक में, बारहवें देवलोक में गई और वहां से वे
मानव भव पाकर मोक्ष पाएंगे। मुझे कहना कि दूसरा सवाल का जवाब बाकी है कि अभी ये क्लियरेंस इतना कैसे हो गया, उसका जवाब वो अन्य धर्मियों की अपेक्षा समझना है। अपने वहाँ इसका कोई समाधान नहीं है और इसका वो क्लियरेंस आ गया कि सर्ववृत्ति का स्वीकार किया मतलब कि भगवान के पचकान के प्रभाव से शुभ परिणाम खड़े होने लगे। लेकिन वहाँ पर क्या बताते हैं बाण की शैया में सोए हुए, उसका जवाब अपन कल सोचेंगे। जी नाम।